नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, लल्लनटॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे फर्स्ट एड देते समय क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है आपके हाथ पैरों में झंझनाहट क्यों होने लगती है? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अगर आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है तो आपको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए। फर्स्ट एड यानी किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प जो इंसान को चोट या बीमारी के समय सबसे पहले दी जाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ियों में एक फर्स्ट एड किट भी दी जाती है, जिसमें रुई होती है, डेटॉल होता है, क्रीप बैंडेज होती है, ये सब रखा होता है ताकि चोट लगने पर तुरंत इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके। फर्स्ट एड बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में सही जानकारी होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको किसी डॉक्टर की या किसी प्रोफेशनल की मदद नहीं मिलती है तब तक आपके आसपास कोई आपको फर्स्ट एड दे सकता है। कई बार ये जान तक बचाने में अहम भूमिका निभाती है, पर अगर यहाँ कोई गलती कर दी गई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे मेरी एक दोस्त है, गर्मी के समय उसकी नक्सीर फूट जाती थी, नाक से खून बहने लगता था। एक दिन क्लास में उसके साथ ऐसा हुआ, हर कोई उसे सिर पीछे करने की सलाह देने लगा कि भाई अपना सर पीछे कर लो ताकि खून रुक जाए। तब वहाँ मौजूद एक टीचर ने कहा कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इसमें चोकिंग की संभावना बढ़ जाती है। अब हम सब इसलिए हैरान रह गए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आम धारणा है। ऐसे ही बहुत सी गलतियाँ हैं जो लोग फर्स्ट एड के समय करते हैं। क्या है वो गलतियाँ, चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी अर्थात कि आप खुद को पहले सुरक्षित करें दूसरों को मदद करने से पहले। कॉमनली जो चीज़ें हम देखते हैं जिसमें फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है वो है बर्न। बर्न कई तरह से हो सकता है, या तो डायरेक्ट आग से हो सकता है, या फिर गर्म पानी, दूध या किसी केमिकल से हो सकता है। किसी भी प्रकार के बर्न में डायरेक्टली आइस का यूज़ ना करें शरीर के ऊपर। हमेशा जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी हो उससे नहलाएं, उससे धोएं। और हमारे प्रैक्टिस हमने अक्सर देखा है कि लोग हल्दी, चूना, कई बार तो गोबर भी हमने देखा है लगाते हैं, वो ना करें। टूथपेस्ट इत्यादि इस तरह के किसी भी पदार्थ का प्रयोग ना करें। और कई बार फोफले बन जाते हैं, फोफलों को ना फोड़ें। इन सब से होता ये है कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, घाव भरने का समय और ज़्यादा हो जाता है, और कई बार इन्फेक्शन इतना भी हो सकता है कि वो उसके जानलेवा हो जाए, घातक हो जाए। तो इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे और जितने जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प सीख करेंगे। तीसरा जो हम कॉमनली देखते हैं वो है सीज़र, जिसको हम साधारण भाषा में मिर्गी का दौरा कहते हैं। मिर्गी के दौरे में भी हम एस्पिरेशन का ख्याल रखेंगे, यानी कि जो पानी वगैरह ना दें, पेशेंट को बाएं तरफ में टर्न करके रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उसकी खुद की वॉमिटिंग या उसका खुद का जो भी सिक्रेशंस हैं जो शरीर खुद बनाती है वो उसके सांस के नली के तरफ ना जाए, ताकि जो घातक कॉम्प्लिकेशंस हैं एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह तो ये ना हो। चौथा जो कॉमनली हम देखते हैं वो है घाव पे चूना लगाना इत्यादि। तो कभी भी घाव पे चूना, कोलगेट, मैं दोबारा कहूँगा ये नहीं लगाना है हमें, ये इन्फेक्शन का खतरा हमारे लिए बढ़ा देता है। मोस्टली हम रोड पे ट्रॉमा केसेस बहुत देखते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाना, या घर पे भी आदमी गिर सकता है स्लिप होके। तो जब भी गिरें या कोई गिरा हुआ दिखे, कभी भी उसे बिना स्ट्रेचर या बिना किसी हेल्प के ना उठाने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा स्पाइन इंजरी का खतरा बना हुआ रहता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर हाथ या पैर इन्वॉल्व है जहाँ चोट है, तो हमेशा कोशिश करें इमोबिलाइज करने का। इमोबिलाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी लकड़ी के काट या लकड़ी के टुकड़े से या जो भी आपके पास सख्त चीज़ अवेलेबल हो उससे एक जॉइंट ऊपर और एक जॉइंट नीचे तक उसे बांध दें, ताकि वो मूव ना करे फ्रीली। इससे होगा ये कि जो सेकेंडरी इंसल्ट होता है, जो घाव जहाँ भी चोट है वो मूव नहीं करेगा और आगे और नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इन बातों का हम ख्याल रखेंगे। कई बार मैंने देखा है कि लोग चोट लगने पे, जिसको हम साधारणतः स्प्रेन या मस्कुलर पेन कहते हैं, उन चीज़ों में लोग गर्म की सिकाई करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तुरंत के चोट में हमेशा
ठंडे चीज़ों की बर्फ की सेकाई करें, और बर्फ भी हमेशा डायरेक्टली कभी नहीं लगाना है, बर्फ को जो है किसी साफ कपड़े में, तौलिए में, गमछे में, किसी चीज़ में बांध के उससे सेकाई करें ताकि डायरेक्टली जो है कोल्ड ना लगे उस पर। स्नेक बाइट हमारे भारत में काफ़ी कॉमन है, दक्षिण भारत में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। स्नेक बाइट में यूजुअली जो हमारे पास जब तक पेशेंट आते हैं, हमने देखा है कि लोग उसको बांध देते हैं, उस अंग को बांध देते हैं, कई बार चीरा लगा देते हैं, उसको उसमें से जहर चूस के निकालने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बांधना है हमें 2 से 4 इंच ऊपर एक किसी भी रस्सी या आपके पास जो भी हो उससे बांधें। इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि आगे खून जाना ही बंद हो जाए। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि बांधने के बाद अगर आगे का जो लिम्ब है वो नीला पड़ जाए, या आगे का अंग जो है नीला हो जाए, या उसके अंदर जो है जो महसूस होने की क्षमता है वो कम हो जाए, तो हमेशा ढीला कर देना चाहिए उस रस्सी को, ताकि वो लिम्ब आगे का ख़राब ना हो। कई बार बच्चे कॉइन या इस तरह की चीज़ें निगल लेते हैं, ऐसे कंडीशन में बच्चों को जो है पैर से उल्टा लटका कर और पीठ पे थपथपाना चाहिए दोनों बाजुओं के बीच में, तो इससे भी काफ़ी मदद मिलती है। और उनको कुछ पिलाने का या ताकि वो निगल जाए इस तरह कोशिश नहीं करना चाहिए, दोबारा मैं कहूँगा वही एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। एक चीज़ है जो हमारे प्रैक्टिस में इमरजेंसी में हमने कॉमनली देखा है, लोग अपने छाती के दर्द को गैस से कन्फ्यूज़ करते हैं और हमेशा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, और कभी भी अपने गैस के दर्द को निगलेक्ट ना करें, हमेशा हॉस्पिटल हेल्प सीख करें, क्योंकि वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और डायबिटिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, उनको चेस्ट पेन नहीं होता है। कभी भी आप जैसे पहले 5 किलोमीटर चलते हों या 4 किलोमीटर, और अचानक से अगर वो कम हो रहा है तो ये एक साइन है कि आपको हार्ट की दिक्कत हो सकती है। कभी भी ऐसा लगे तो यू शुड डेफिनेटली सीक हेल्प ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल, आपको ज़रूर आना चाहिए हॉस्पिटल, और कभी भी गैस की दर्द बोलकर इस चीज़ को नेगलेक्ट बिल्कुल भी ना करें। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। एक्सीडेंट, जलने पर या कई बार बीमारी में भी फर्स्ट एड बहुत काम आता है। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। हाथों और पैरों में झंझनाहट बहुत ही आम है, खासतौर पर अगर आप अपने हाथ पर ही सो जाते हैं या फिर काफी देर तक अपने पैर जो हैं वो तले ऊपर करके बैठे रहते हैं, तब ये ज्यादा होता है। पर क्यों? देखिए, इन केसेस में ये टेम्प्ररी होता है, यानी कुछ देर के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। आपकी जो नर्व्स हैं यानी जो तंत्रिकाएं हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, वो दबती हैं। ये प्रेशर पड़ता है जो आसपास के टिश्यूज़ हैं यानी जो ऊतक हैं उनसे, इसलिए अब जब आप अपने हाथ पैर हिलाते हैं या फिर मूव करते हैं तो ये प्रेशर हट जाता है और ये जो झंझनाहट है वो अपने आप बंद हो जाती है। पर कई बार ये झंझनाहट लंबे समय के लिए चलती है और ये कुछ बीमारियों की तरफ इशारा है, इसलिए इस झंझनाहट को इग्नोर मत करिए। जैसे कि डायबिटीज़ में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही प्रेगनेंसी है, विटामिन बी और विटामिन ई की कमी के कारण भी ऐसा होता है। अगर किडनियां ख़राब हो रही हैं तो भी आपके हाथों में और पैरों में काफ़ी ज़्यादा झंझनाहट होती है। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं, थायराइड है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर शराब पीते हैं तो उसके बाद भी ऐसा होता है, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इन पर नजरें गड़ाकर रखने से आपकी आंखों पर जोर पड़ता है। समय के साथ आपकी आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, पर कमजोर होती आंखों के पीछे एक कारण और भी होता है, आपका खान पान यानी आपकी डाइट। इसलिए अगर आपकी आईसाइट कमजोर हो रही है तो अपनी डाइट में कुछ चीजों का ख्याल रखिए, जैसे हरी और पत्तेदार सब्जियां उन्हें ज्यादा खाइए, पालक और गोभी। इसके अलावा आप दाल, बीन्स, नट्स भी खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली और अंडे ज़रूर लें। इसके अलावा संतरा और ऐसे फल जिनमें कि विटामिन सी होता है वो भी लें, जैसे कि नींबू हो गया, टमाटर हो गया। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है तरुण। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला लें, कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड,
मटक कि क्यों चित जाता है यूं ही सटक कि कैसे ना आए हौसलों में चटक कि कहां तक करें इरादे गटक झटक अब बेवजह न भटक ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुम से। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यू बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।